सिंह उर्फ रज्जू भैया के पैतृ गांव में जाति भेदभाव की जो तस्वीर सामने आई वो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती है बल्कि सवाल खड़ा करती है कि डिजिटल इंडिया के नागरिक की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। यहाँ शमशान में इस तरह तारबंदी की गई है जैसे ये दो देशों की सीमा हो। आप भले ही जानकर हैरान हो मगर जान लीजिए कि सभी को समान अधिकार देने वाले लोकतांत्रिक देश में ये तारबंदी दलितों के शवों के लिए, उनकी अर्थी के लिए और उसके साथ आने वाले लोगों के लिए की गई है। यानी शमशान में तारबंदी के एक तरफ अग्रणी जाति के लोगों के शव जलाए जाते हैं और तारबंदी के दूसरी तरफ उन दलितों के शव जिनके लिए शमशान में भी दीवार खड़ी कर दी गई है। पहासू के बीडीओ घनश्याम वर्मा का कहना है कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है और प्रकरण की जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरीके का भेदभाव करना गलत है। ये ऐसा है कि प्रधान ने शमशान बनवाया था, एक तरफ एससी कास्ट के लिए करा दिया और एक तरफ जनरल के लिए बीच में तार लगवा दिया, इससे थोड़ा जातिवाद का विवाद हो सकता है, तो ये हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जी जी, हाँ जी, एक ही चबूतरा है लेकिन इसका पोर्शन तार लगा कर डबल करवा दिया। एक ही चबूतरा था पहले, इसको इन्होंने तार कसी इस वजह से की है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक साइड एससी की लाशें फूकती हैं, एक तरफ जनरल की लाशें फूकती हैं, तो इसको तार कसी करके इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया गया जो कि कायदे में नहीं होना चाहिए। ये अभी सचिव के द्वारा जानकारी की गई है, तो 2017-18 में ये शमशान घाट का निर्माण हुआ था, उस समय ऐसा कुछ नहीं किया गया था, ना प्रोविजन था इसमें। अगर ऐसा किसी ने किया है, आपके द्वारा संज्ञान में ये आ रहा है, तो इसमें जांच करा करके नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे।